सूरत ग्राम में पुलिस ने गांजा के एनडीपीएस के दो केसेस किए हैं, जिसमें 8 दिन बाद 24,40,000 का मुद्दा माल सीज किया था, जिसमें 244 केजी जो है मारिजुआना पकड़ा गया था। और इस बार कल कोसंबा पुलिस की टीम ने एसओजी की मदद लेके 753 किलोग्राम यानी करीबन 75 लाख से ऊपर का एनडीपीएस का मुद्दा माल का सीज किया है। इसके साथ 3 4-व्हीलर व्हीकल और 2 2-व्हीलर पकड़े हैं और कुल मिलाकर 82 लाख प्लस का मुद्दा माल सीज किया है। एक्सनेबल इंटेलिजेंस कोसंबा पीआई को मिला था कि कुंवरदा गांव की सीव में शिव शक्ति रेसिडेंसी के मकान नंबर 106 के सामने ये प्रोहिबिटेड नार्कोट्रॉपिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। वहाँ पुलिस ने रेड की और 4 एक्यूज को पकड़े हैं। केदारनाथ महंती, बलराम महंती, संतोष महंती, ये तीनों गोड़ा गोठागा गंजाम के रहने वाले हैं। एक शिवाराम गोड़ा हैं जो बड़ा पंकल बाड़ी वो भी गंजाम के हैं। गौरी शंकर महंती और केआरटी वांटेड हैं। ये गंजाम से ट्रक में ये सब एनडीपीएस लाके छोटे छोटे व्हीकल में ये सप्लाई का पूरा नेटवर्क इनका चलता था। पहले भी कितनी बार इन लोगों ने सप्लाई किया है उसकी तफ्तीश चालू है। लोकल पेडलर्स तक भी पुलिस पहुँच गई है और आगे इस केस में प्रॉपर अच्छे से प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए जाएं उस तरह की कार्यवाही सूरत रूरल पुलिस करेगी। कोसंबा और एसओजी की टीम को मैं बधाई देता हूं और एनफोर्समेंट के साथ भी 26 जून जो है एंटी ड्रग्स डे है उसके उपलक्ष में अवेयरनेस के एक्सटेंसिव कैंपेन्स जो है वो सूरत रूरल की हर स्कूल में चलाए जाएंगे ताकि छोटे छोटे बच्चे और समाज जीवन के सब लोगों को हम गाइड कर पाएँ। थैंक यू सर, इन्होंने अपनी